पहले कोरोना वायरस ने लोगों की खुशियां निगली, फिर आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी को बदरंग कर दिया। हजारों की आबादी बूढ़ी गंडक के कहर से बेघर हो गई है। आशियाना तो डूबा ही, इसमें रखे सामान भी बर्बाद हो गए और बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है, जिसके कारण सड़कों पर सैलाब बह रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मीनापुर प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली 5 पंचायतों की मुख्य सड़क पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है। इसी बीच लोग जरूरत की चीजों के लिए तार के सहारे सैलाब में अपनी जिंदगी का दांव लगाकर जाने को मजबूर हैं। इसे देखने से साफ लगता है कि प्रशासन मौत का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही यहां पर कोई व्यवस्था की जाएगी, नहीं तो ऐसे ही लोगों को खतरे के बीच छोड़ दिया गया है। वहीं बातचीत में लोगों ने बताया कि यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुरुष तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं का क्या होगा? कैसे आवागमन हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं? ये जो मीनापुर शिवहर जो मार्ग है, उससे कटने वाली ये 5 पंचायतों को जोड़ने वाली ये सड़क मुख्य मार्ग है, और इस मुख्य मार्ग में करीब 5000 से ऊपर लोगों का आवागमन बाधित है, और यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया है। लोग इधर के इधर फंसे हुए और इधर के इधर फंसे हुए हैं। लोगों का भोजन पानी भी बंद है कई दिनों से। कैसे, मतलब सरकारी व्यवस्था कोई की गई है कि नहीं? अभी तक तो सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। इससे पहले भी कई बार बाढ़ आया, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं किया जाता है। पूर्व में भी नई व्यवस्था किया गया था और भगवान भरोसे लोगों को छोड़ दिया।